I welcome you all once again to my channel, and today's topic will be item analysis. And those who are new, I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. Join my Telegram group Explore Education to share your feedback, ask your query and certain other things which we cannot do here. My lecture will be bilingual, that is cover English as well as Hindi, and useful for teaching examinations. And do subscribe my channel if you like my video content and delivery. Okay, so let's start. First of all, thodi si baat, item analysis. Item analysis means ekank vishleshan, Hindi mein bolenge to. Aur ye kahan padhaya jata hai, kis usme topic mein aata hai ye. Jab hum educational measurement and evaluation padhte hain, jab hum kahin research methodology ka hissa padhte hain, jab hum padhte hain achievement test ke bare mein, jab hum padhte hain standardization of achievement test, tab usme baat ki jati hai ki jo hum item apne test mein chunenge, uski analysis जरूरी है. क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो यही बात कर ले कि एग्जामिनेशन ही क्यों जरूरी है, क्यों जरूरत ही पड़ती है कि हम छात्रों की परीक्षा लेते हैं, उनका आकलन करते हैं. तो एक बहुत बढ़िया आर्टिकल है, असेसमेंट द ब्रिज बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग. देखिए कितनी अच्छी डेफिनेशन है, कितना अच्छा इन्होंने इस तरह से इसको संबोधित किया है कि आकलन है क्या, एक सेतु है किसके किसके बीच में, शिक्षण और अधिगम के बीच में. मतलब हमने जो आपको शिक्षित किया और आपने जो अधिगम ग्रहण किया उसके बीच का सेतु है, पता चलता है कि कितना अधिगम हुआ है ना. तो दी सॉरी, इन असेसमेंट द ब्रिज बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, डायलन विलियम्स स्टेट्स, इफ अवर स्टूडेंट्स लर्नड व्हाट वी टॉट, वी वुड नेवर नीड टू असेस. मतलब कि अगर हमारे जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वो ये सीख जाते जो कि हम उनको सिखाना चाहते हैं, सभी कुछ, सभी विद्यार्थी, सारा पोर्शन, तो ये जरूरत ही नहीं पड़ती कि हम उनको असेस करते. इट इज ओनली थ्रू असेसमेंट, ये केवल हम असेसमेंट के द्वारा कर सकते हैं क्या, दैट वी कैन डिस्कवर वेदर द इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज इन विच वी इंगेज अवर स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द इंटेंडेड लर्निंग. सॉरी, यहाँ पे ये कॉमा नहीं होना चाहिए. ओके, तो मतलब कि ये असेसमेंट के द्वारा ही हो सकता है कि हम ये जान सकें कि जो इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज में हमने अपने स्टूडेंट्स को इंगेज रखा, वो इंटेंडेड लर्निंग, यानी कि जो हमारा इंटेंशन था, जिस लर्निंग की हमको इंटेंशन थी, वो रिजल्टेड हुई कि नहीं, वो प्राप्त हुई कि नहीं, उसकी अचीवमेंट हुई कि नहीं. यानी कि असेसमेंट से हम ये जान सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग में तब्दील हुई कि नहीं. और तो असेसमेंट क्या है, इट इज रियली द ब्रिज बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग. एंड एग्जाम्स क्या है, एग्जाम्स एज अ विंडो इनटू स्टूडेंट लर्निंग गैप्स, यानी कि जो गैप्स आ रहे हैं स्टूडेंट की लर्निंग में, हम वहां तक झांक सकते हैं, वहां तक देख सकते हैं, दृष्टिगोचर हो सकता है हमको किसके थ्रू, एग्जाम्स के थ्रू. एंड कॉन्सिक्वेंटली अ वे टू शो स्टूडेंट लर्निंग, और हमें ये पता चल सकता है कि स्टूडेंट की लर्निंग कितनी हुई है. तो आप समझ सकते हैं कि एग्जामिनेशन कितना महत्वपूर्ण है. जो टीचिंग है, जो थियोरेटिकल पोर्शन है, वो जब प्रैक्टिकल पोर्शन में, लर्निंग में तब्दील हो जा रहा है, उसको हम जान पा रहे हैं एग्जामिनेशन के द्वारा. तो जो हम यहाँ पे इस बात को क्यों लेके आए, क्योंकि आइटम एनालिसिस में जो आइटम रखे जाएंगे उनका बहुत बड़ा रोल है. क्यों? क्योंकि वो वाकई असेसमेंट कर पाए, वाकई हम इवेल्युएशन कर पाए, वाकई एग्जामिनेशन कर पाए, सही एग्जामिनेशन कर पाए अपने स्टूडेंट्स का. इसलिए आइटम एनालिसिस जरूरी है. एक एक आइटम जो आप अपने क्वेश्चन पेपर में रखेंगे उसकी एनालिसिस करनी होती है, तब जाकर वो सही अर्थों में सही आकलन कर सकता है, किसका, विद्यार्थी का. सॉरी, आइटम एनालिसिस से शुरू करते हैं. आइटम एनालिसिस है क्या, इन्वेस्टिगेशन है. इन्वेस्टिगेट्स the performance of items considered individually either in relation to some external criteria or in relation to the remaining items on the test. यानी कि जो हम item analysis करने जा रहे हैं, जो हम एकांक विश्लेषण अपने items का करने जा रहे हैं, जो कि हम question paper में रखने जा रहे हैं, किसी test में रखने जा रहे हैं, वो क्या करता है, performance की जांच करता है. कैसे, या तो किसी external criteria के तहत items जांचे जाते हैं, या जो सारे आइटम टेस्ट में वो एक दूसरे के सापेक्ष जांचे जाते हैं. और क्या है ये, इट इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक, एक सांख्यिकीय प्रविधि है, विच इज यूज फॉर सेलेक्टिंग एंड रिजेक्टिंग द आइटम्स ऑफ द टेस्ट. मतलब पहले तो हम क्या करते हैं, कई सारे क्वेश्चंस लिख लेते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस हम एग्जामिनेशन में थोड़ी पूछते हैं. और जहां ये ज्यादातर बात एक आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट की हो रही है, तो हम क्या करते हैं उसमें
पहले हमने ज्यादा क्वेश्चन बना लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमको 50 क्वेश्चन का सेट बनाना है, तो आप ज्यादा बनाइए, 60, 75, 100 बना लीजिए, और फिर उसकी आइटम एनालिसिस की जाएगी, और फिर हमको पता चलेगा कि वाकई कौन सा आइटम उसमें रखने योग्य है जो हमारा ब्लूप्रिंट बनेगा, और कौन सा उसमें से हटा दिया जाएगा, रिजेक्टेड है क्योंकि वो सही आइटम नहीं है। तो यही आइटम एनालिसिस के थ्रू ही ये पता चलता है। इट इज ए स्टेटिस्टिकल टेक्निक विच इज यूज फॉर सेलेक्टिंग एंड रिजेक्टिंग द आइटम्स ऑफ द टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर आप उसको या तो रखेंगे या निकाल देंगे, देयर डिफिकल्टी वैल्यू, खास बात जो हमें पढ़नी है, डिस्क्रिमिनेटिव पावर एंड आइटम डिस्ट्रैक्टर्स, यानी कि उसकी डिफिकल्टी वैल्यू कितनी है, डिस्क्रिमिनेशन पावर उस आइटम में है कि नहीं, और आइटम डिस्ट्रैक्टर है कि नहीं है, क्या है, दिक्कत क्रिएट कर रहा है सही आंसर को जांचने में, सही आंसर तक पहुंचने में शिक्षार्थी के, ये तीनों चीजें देखकर हम उसको रखते हैं या निकालते हैं, जिसमें से डिफिकल्टी वैल्यू और डिस्क्रिमिनेटिव पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। और सवाल पूछा जाता है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, इवन फॉर्मूला पूछा जाता है, आपको अंक दे दिया जाएगा, मान दे दिया जाएगा, आपको निकालना होगा कितनी आ रही है डिफिकल्टी वैल्यू, कितना डिस्क्रिमिनेशन पावर है। ओके, एंड क्या है ये, इट इज एन इम्पॉर्टेंट टूल टू अपहोल्ड टेस्ट इफेक्टिवनेस एंड फेयरनेस। ये एक बहुत बढ़िया हमको टूल है, एक उपकरण है हमारे लिए, जिससे हम टेस्ट को अपने इफेक्टिव बना सकते हैं, फेयर बना सकते हैं, एंड इट कैन इंक्रीज द इफिकेसी ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो हम परीक्षा लेने जा रहे हैं उसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी अगर हम आइटम एनालिसिस करेंगे तो, बाय टेस्टिंग नॉलेज एक्यूरेटली। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज, वो ज्ञान जो हम चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स में, उसका हम एक्यूरेटली टेस्टिंग कर पाएंगे, वाई, बिकॉज ऑफ आइटम एनालिसिस, अगर हम उसको प्रॉपरली करते हैं तो। और भी है इसके फायदे, आप जब रिलायबिलिटी पढ़ रहे थे, वैलिडिटी पढ़ रहे थे, तो बताया जा रहा था कि आइटम एनालिसिस अगर आप करेंगे तो आपका टेस्ट मोर रिलायबल और मोर वैलिड हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो वही काम करेगा, वो आइटम, जिस चीज के लिए आपने उसको वहां पर रखा है। देन फंक्शंस अगर इसके देखे जाए तो तीन मुख्य कार्य हैं, सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट आइटम्स फॉर टेस्ट, यानी कि जो मुख्य एकदम सर्वोत्कृष्ट उत्तम आइटम है उसको हम अपने टेस्ट में रखेंगे, रिजेक्टिंग इन एप्रोप्रिएट, जो इन एप्रोप्रिएट है उसको हटा देंगे, और मॉडिफिकेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ द आइटम्स, और कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो थोड़े बहुत डिस्टर्बिंग है तो उनको हम ठीक कर लेंगे, मॉडिफाई करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लेंगे टेस्ट में अपने। ओके, अच्छा, जो खास बात है हमको दो पढ़नी है, डिफिकल्टी वैल्यू, डिस्क्रिमिनेटिव पावर, और डिस्ट्रैक्टर को तो ऐसे वर्बली भी बात कर सकते हैं। तो डिफिकल्टी वैल्यू क्या है? कठिनाई का स्तर। क्या कठिनाई का स्तर? इसकी हिंदी से तो यही पता चलता है, कठिनाई का मान, कठिनाई स्तर क्या है ये? इट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल, यानी कि उन लोगों का प्रतिशत है, लोग यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है आपका, विषय है जिस पर आप टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं, हु आंसर एन आइटम करेक्टली, यानी कि जितने प्रतिशत लोग उस आइटम को सही करते हैं, सही आंसर पर टिक करते हैं, वो मान है ये डिफिकल्टी वैल्यू। तो अक्सर क्या होता है कि हमको लगता है, एक यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास है, आप इसको याद करने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि इसको आइटम डिफिकल्टी ना कह के आइटम फैसिलिटी कह लीजिए, तब आप इसको सही समझ लेंगे, क्योंकि कई जानकार कहते हैं कि इसको आइटम डिफिकल्टी कहने ही नहीं चाहिए, इसको कहना चाहिए आइटम फैसिलिटी। क्यों? क्योंकि परिभाषा क्या कह रही है, परसेंटेज ऑफ पीपल हु आंसर, पीपल हु आंसर एन आइटम करेक्टली, यानी मान लीजिए कि किसी आइटम की डिफिकल्टी वैल्यू 0.9 है, तो इसका क्या मतलब है कि 90% लोग उस सवाल को सही करते हैं, तो 90% लोग, 90% स्टूडेंट अगर किसी सवाल को सही करते हैं, इसका मतलब वो सवाल कैसा है, बहुत सरल है, तो कठिनाई स्तर उसका कम है, तो उल्टा रिलेशनशिप है, कठिनाई स्तर जितना ज्यादा होगा सवाल उतना सरल होगा, कठिनाई स्तर जितना कम होगा सवाल उतना कठिन होगा, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, उल्टा है। तो पहली बात, परसेंटेज ऑफ पीपल हु आंसर एन आइटम करेक्टली, फिर इट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी विद विच एग्जामिनीज चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स। ओके, सिमिलर बात है। फिर आइटम डिफिकल्टी हैज अ पावरफुल इफेक्ट ऑन बोथ द वेरिएबिलिटी ऑफ टेस्ट स्कोर्स एंड द पोजीशन विद विच टेस्ट स्कोर्स डिस्क्रिमिनेट अमंग ग्रुप ऑफ एग्जामिनीज, यानी कि दो इसके इफेक्ट है, एक तो वेरिएबिलिटी ऑफ टेस्ट स्कोर, टेस्ट स्कोर कैसे वेरी करता है इस पर भी इसका इफेक्ट जाता है, और वो पोजीशन विद विच टेस्ट स्कोर डिस्क्रिमिनेट अमंग ग्रुप ऑफ एग्जामिनीज, और ग्रुप ऑफ एग्जामिनीज में टेस्ट स्कोर कैसे विभेद करते हैं ये भी ये बताता है। क्या कौन? आइटम डिफिकल्टी। इसका फॉर्मूला भी है, आपसे, आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा तो आपको लिखना होगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में इस फॉर्मूले पे बेस सवाल पूछ सकते हैं या फॉर्मूला पूछ सकते हैं। क्या है? डीवी, डिफिकल्टी वैल्यू इज इक्वल टू आर एच प्लस आर एल अपॉन एन एच प्लस एन एल। अभी आर एच क्या है?
राइटली आंसर्ड इन हाइएस्ट ग्रुप. अभी आपको पता चलेगा ये हाइएस्ट ग्रुप लोएस्ट लोएस्ट ग्रुप है क्या. तो हाइएस्ट ग्रुप में जितने सवाल जितने लोगों ने सवाल सही किया है वो, और लोएस्ट ग्रुप में जितने लोगों ने सवाल सही किया है वो, यानी कि टोटल जितने सवाल सही हुए, यही तो मतलब हुआ अगर हमने पूरे ग्रुप में सबको ले लिया है तो. और एनएच प्लस एनएल यानी कि जितने नंबर ऑफ एग्जामिनीज हाइएस्ट ग्रुप में थे या नंबर ऑफ एग्जामिनीज लोएस्ट ग्रुप में थे, दोनों को जोड़ दिया है. तो आर एच प्लस आर एल अपॉन एनएच प्लस एनएल. ओके okay. और जब इसका प्रतिशत निकालेंगे इनटू 100 तो हमको पूर्णांक मिलेगा. वैसे तो वैल्यू 1.9 ऐसे आएगी, है ना. तो इसका मान क्या होगा, मान इसका होगा 0 से लेकर 1 तक. ये भी पूछ सकते हैं कि आपको डिफिकल्टी वैल्यू का परास कितना है, रेंज कितनी होती है. तो 0 से 1 है ना, यानी कि हाईएस्ट डिफिकल्टी वैल्यू भी होगी 100%. 100% का मतलब कि सबने सारा सवाल सही कर दिया तो फिर उस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है. फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी वो डिफिकल्टी वैल्यू की रेंज है जो अगर आएगी तो आपको आइटम को रखना है अपने टेस्ट में, नहीं तो डिस्कार्ड कर देना है. ओके okay? तो ये इसका फॉर्मूला है. देन इनकेस नॉन रेस्पॉन्स एग्जामिनीज अवेलेबल, अगर आपके टेस्ट में कुछ ऐसे भी एग्जामिनीज हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपियर ही नहीं किया, मतलब उन्होंने टिक ही नहीं लगाया, तो फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा. क्या हो जाएगा, डीवी इज इक्वल टू आर एच प्लस आर एल अपॉन एन एच प्लस एन एल में से एन आर माइनस कर देंगे, वो लोग घटा दिए जाएंगे जिन्होंने टिक नहीं लगाया है. एन आर क्या है, नंबर ऑफ नॉन रेस्पॉन्स एग्जामिनीज. ओके अब हमको ये देख लें कि कितना डिफिकल्टी वैल्यू होगा तो उसका हम इवेलुएशन क्या करेंगे, मतलब क्या है तो बढ़िया है हमारा टेस्ट आइटम और हमको उसको रखना है कि रिजेक्ट कर देना, ये भी तो पता चलना चाहिए ना. हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हम सही आइटम्स को अपने टेस्ट में रखें और जो सही नहीं है, जो बढ़िया नहीं है, जो विभेदीकरण नहीं कर रहे हैं, जिनके पास कठिनाई स्तर नहीं है, उनको हम निकाल दें. तो ईबेल ने बताया है ये क्राइटेरिया कि अगर 0.20 से 0.30 के बीच में आपके आइटम की डिफिकल्टी वैल्यू है, इसका मतलब ये मोस्ट डिफिकल्ट है. कैसे मोस्ट डिफिकल्ट है, क्योंकि केवल 20-30% लोग ही उस सवाल को सही कर पा रहे हैं. इसी तरह से ये क्रम बढ़ता जा रहा है. अगर 30-40% सही कर रहे हैं तब भी कठिन है, 40-60% सही कर रहे हैं इसका मतलब थोड़ा बहुत कठिन है, 60-70% में यानी कि आसान सवाल है, और 70-80% हो जाएगा यानी कि बहुत सरल सवाल है, तो हमको ये नहीं रखना है. यानी कि हम यहाँ करीब 0.4 से 0.6 ऐसा रखेंगे ताकि मॉडरेट डिफिकल्ट हो, यानी कि जो पढ़ लिख के जाएगा एग्जामिनेशन में वो उसको कर पाएगा, नहीं अच्छे से पढ़ा लिखा जाएगा मुश्किल सवाल लग रहा है तो वो नहीं कर पाएंगे. तो कठिनाई स्तर थोड़ा होना चाहिए. क्यों, क्योंकि हम एग्जामिनेशन लेने जा रहे हैं, हम पूछने जा रहे हैं, हम जांचने जा रहे हैं बच्चों को, छात्रों को, कि उन्होंने कितना ग्रहण किया, तो कुछ तो डिफिकल्टी वैल्यू हम उनको देंगे ना. ओके देन डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, कैसे हमारा जो आइटम है वो विभेद कर पा रहा है कि नहीं. तो विभेद करना किसके बीच में है, वो जो अचीवर्स हैं और हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स के बीच में, सुपीरियर्स और इंफीरियर्स के बीच में, जो पढ़ के गया है और जो बिना पढ़े एग्जामिनेशन देने गया है उसके बीच में एग्जामिनेशन आपका विभेद कर पाएगा, तभी तो एग्जामिनेशन लेने की कोई प्रासंगिकता है ना. वरना हम एग्जामिनेशन लिए और सारे बच्चे 100% मार्क्स से पास हो गए तो हमारा कोई पर्पस नहीं सॉल्व होगा. ओके तो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज दैट एबिलिटी ऑफ एन आइटम, यानी हमारे जो एकांक है उसकी वो योग्यता है, ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन इज मेड बिटवीन सुपीरियर्स एंड इंफीरियर्स, यानी कि हाई अचीवियर, सॉरी देखिए स्पेलिंग गलत हो गई, सुपीरियर की, हाई अचीवर और लो अचीवर के बीच में विभेद कर सकने की क्षमता किसकी, एकांक की, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स कहलाती है या डिस्क्रिमिनेशन कहलाती है. और इसका फॉर्मूला क्या है, डी आई इज इक्वल टू आर एच माइनस आर एल, यानी हाईएस्ट ग्रुप में जितने लोगों ने सही किया में से लोएस्ट ग्रुप में जितने लोगों ने सही किया माइनस कर देंगे, और भाग किसके किससे देंगे, सॉरी NH और NL, मतलब कि जो हाईएस्ट ग्रुप में नंबर है या लोएस्ट ग्रुप में नंबर है, तो इसमें से चूज कौन सा करेंगे, विच वन इज लार्जर, जिसका मान ज्यादा आएगा, हाईएस्ट ग्रुप के नंबर का एग्जामिनीज या लोएस्ट ग्रुप में एग्जामिनीज का, जिसका नंबर ज्यादा है उससे भाग दे देंगे इन दोनों के अंतर को. तो कैसे निकालते हैं डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, अब आपको हाईएस्ट ग्रुप और लोएस्ट ग्रुप का मतलब समझ में आएगा. सबसे पहले टेस्ट इज स्कोर्ड, पहले हमने टेस्ट ले लिया, स्कोर्स आर रैंक ऑर्डर्ड. हम लोगों ने क्रम पढ़ा है ना कि नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो, तो जो ऑर्डिनल होता है जहां पे हमको रैंक पता चलती है, तो हमने क्या किया, रैंक ऑर्डर यानी कि सबसे ज्यादा से लेके सबसे कम नंबर तक हमने व्यवस्थित कर लिया. ऐसे ही तो हम लोग रैंक बनाते हैं ना क्लास में. फिर हम क्या करेंगे, 27% ऑफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर्स आर सिलेक्टेड, हम ऊपर के टॉप मोस्ट 27% और नीचे के 27% को सिलेक्ट कर लेंगे. अब ये आप कहेंगे कि क्यों 27%,
भाई 50% कर लें, 20% कर लें, 30% कर लें, थोड़ा अच्छा लगता है कटने में, है ना, आप उसको भाग देंगे तो कट जाएगा, ये 27% क्यों लिया है? तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है, ये किसने बताया, हम ऐसे ही नहीं यूज करते, ये केली महोदय ने बताया था हमको, 1939 में ही बता दिया था। ओके सॉरी। फिर नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इन द हाईएस्ट 27%, फिर जो हाईएस्ट 27% ऊपर वाला है उसमें से हम क्या करते हैं, नीचे वाले 27% को माइनस कर देते हैं, और फिर जो रिजल्ट आता है उसको किससे भाग देते हैं, नंबर ऑफ पीपल इन द लार्जर ऑफ द टू ग्रुप्स, यही फॉर्मूला है ना, आर एच माइनस आर एल अपॉन एन एच और एन एल में से क्या, विच वन इज लार्जर, जो ज्यादा हो, जिसका मान ज्यादा है उससे हम भाग दे देंगे। ठीक, अब देखते हैं कि 27% लिया क्यों। The percentage of 27% is used because this value will maximize differences in normal distributions while providing enough cases for analysis. यानी बहुत इस पे सब मतलब ऐसे थोड़ी कोई चीज निकल के आती, रिसर्च हो रही थी, बहुत उन्होंने अनुसंधान किया, बहुत बार आप लिया होगा आर्बिट्रेरिली कोई ग्रुप लिया हुआ, कितना परसेंट लिया, कितना परसेंट लिया, लेकिन जब उन्होंने 27% लिया, जो भी उसके पीछे स्टेटिस्टिक्स इन्वॉल्व है, तब उन्होंने पाया कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सिमाइज डिफरेंसेस, हमको सबसे ज्यादा अंतर यहाँ मिल रहा है और सबसे ज्यादा केसेस मिल रहे हैं एनालिसिस के लिए, अगर हम 27% लेके चलते हैं तो ये केली महोदय का 27% फेमस है और अब 27% ही लेकर इसको किया जाता है। लेकिन कुछ विद्वान इसमें थोड़ा बहुत अंतर भी मानते हैं, जो ननली एक विद्वान है, जेसी ननली, उन्होंने कहा है कि 25% लेंगे तो बेहतर होगा, लेकिन केली साहब का 27% इज मोर यू कैन से फेमस और थंब रूल की तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जानबूझ के ऐसे हम सैंपल ही ले लेते हैं, जैसे 54 ले लिया, ऐसा ले लिया जो 27 से कट जाएगा, तो उस हिसाब से आपको ग्रुप बनाने में आसानी होगी। ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन जो इंडेक्स है उसके तीन तरीके के होते हैं, जीरो डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। जीरो डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है कि आंसर या तो सब लोग सही कर रहे हैं या सब गलत कर रहे हैं, मतलब जीरो ऑब्लिक नन कर सकते हैं इसको, या जीरो ऑब्लिक नो कर सकते हैं कि वो आइटम जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है, तो ये आइटम हमको नहीं रखना है अपने टेस्ट में और हमारे किसी काम का नहीं है। फिर आया पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि धनात्मक विभेदीकरण की क्षमता होनी चाहिए इसमें। धनात्मक विभेदीकरण का क्या मतलब कि जो हाई अचीवर है, जो सुपीरियर है, अगर वो सवाल को सही टिक करता है और लो अचीवर गलत टिक करता है, इसका मतलब कि राइट डिस्क्रिमिनेशन, जिसकी हम बात कर रहे थे, जो हम चाहते हैं हमारे टेस्ट में हो, हमारे आइटम में हो, वो है तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है, और वो टेस्ट, वो आइटम्स जिनमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन निकल कर आता है उसको हम रखते हैं किसमें, अपने टेस्ट में। देन नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये तो बिल्कुल ही उल्टा है, मतलब इसमें क्या होता है कि जो अचीवर्स हैं वो सवाल को गलत टिक करते हैं और जो लोअर इंफीरियर हैं वो उसको सही टिक करते हैं। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा इसलिए हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा पुअरली वर्डेड हो, पुअरली वर्डेड वो बना हो, या कुछ इस तरीके का हो कि जो लो अचीवर उन्होंने गेस मार करके उसको सही कर दिया और हाई अचीवर है या जो पढ़ कर गया है या जो सुपीरियर है उसको बड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है उसमें। तो जो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन वाले सवालों को हमको अपने टेस्ट में नहीं रखना है। ओके तो और रखना वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितनी वैल्यू अगर आएगी तो हम रख लेंगे अपने टेस्ट में उसको। वैल्यूज ऑफ 0.4 एंड अबव आर रिगार्डेड एज हाई डिस्क्रिमिनेशन यूज, तो अगर इतना मान आता है हमारे टेस्ट, हमारे आइटम का, तो हम उसको अपने फाइनल टेस्ट में रख लेते हैं। तो ये तो बात हो गई डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स की, वो बात हो गई डिफिकल्टी वैल्यू की, ये डी आई होना चाहिए था ना, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम, सॉरी गलत हो गया। देन रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स एंड डिफिकल्टी वैल्यू, क्या दोनों में संबंध है, दोनों में संबंध ये है कि बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी टू ईच अदर, कोई एक दूसरे को विरोध नहीं कर रहा बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बोथ शुड कंसीडर इन सिलेक्टिंग गुड आइटम्स, अगर हम चाहते हैं कि बढ़िया हमारी आइटम एनालिसिस हो, अगर हम चाहते हैं हमारा टेस्ट बढ़िया बने, तो हमको दोनों का ध्यान रखना है। और क्या करना है, इफ एन आइटम हैज नेगेटिवली डिस्क्रिमिनेट और जीरो डिस्क्रिमिनेशन इज टू बी रिजेक्टेड व्हाटएवर द डिफिकल्टी वैल्यू। डिफिकल्टी वैल्यू हमने क्या कही थी, अगर 0.46 से 0.07 है या 0.04 से 0.06 के बीच में, तो बढ़िया है, हमको उसको ले लेना चाहिए, लेकिन वो हम तभी लेंगे जब उसका डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स क्या हो, पॉजिटिव, यानी कि
कुछ भी उसकी बढ़िया से बढ़िया डिफिकल्टी वैल्यू हो, लेकिन अगर वो नेगेटिवली डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है या जीरो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो हम उसको अपने फाइनल टेस्ट में नहीं रखेंगे। और एक और बात जिस पर कोई फॉर्मूला नहीं है लेकिन आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, आइटम डिस्ट्रैक्टर। आइटम डिस्ट्रैक्टर का मतलब कि कोई ऐसा आइटम हो सकता है जो डिस्ट्रैक्ट करता है। डिस्ट्रैक्ट करता है मतलब सही आंसर को टिक लगाने में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, यानी कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट गलत आंसर को टिक कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो जो टिक जिस पर कर रहे हैं वो डिस्ट्रैक्टर की भूमिका में, तो उसको भी हमको डिस्कार्ड कर देना है अपने फाइनल टेस्ट में से। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो फाइनल आइटम बनेगा, फाइनल टेस्ट बनेगा, उसके जो आइटम्स होंगे वो मॉडरेट डिफिकल्टी वैल्यू, मॉडरेट डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स के होंगे, तो आपका जो आइटम टेस्ट बनेगा वो बढ़िया होगा और वो उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी ठीक होगी और वो अपने जो उसका गोल है, जो उसका पर्पस है, जिसके लिए आप एग्जामिनेशन लेने जा रहे हैं, उसको सॉल्व कर पाएगा। ओके, आई हैव कवर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टूडे, आइटम एनालिसिस। आपसे इस पे थ्योरेटिकल सवाल भी पूछा जाता है अगर आप एम ए एम एड BA, BEd कर रहे हैं और अगर आपके कोर्स में है, और ऑब्जेक्टिव सवाल भी इस पे पूछा जाता है। सवाल का मान थ्योरेटिकल सॉरी न्यूमेरिकल या फॉर्मूला, तो आपको छोटा सा है, आसान है, बस थोड़ा सा टेक्निकल, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक इट। And to find this channel in Telegram group, scan to join this. And the name of my Telegram channel is Explore Education, and join my Telegram group to achieve all this. Okay? So done from my side.